बेटा आज के सेशन में आप लोगों को चैप्टर 5 बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आप लोगों को पढ़ना है, रीड करना है। और आप लोग माइक बंद करके बैठेंगे, जिसका नाम दिया जाएगा वो लोग रीड करेंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यस मैम। देखिए बेटा, सबको बुक दिखने लगी। कौन है? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा क्या कर रहे हो? हाँ, आलोक मिश्रा बहुत बैड हैबिट है आप लोगों। कोई स्किन से सब कुछ नहीं करेगा। सब लोग अपना वीडियो बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। हर्षित क्या हो रहा है? माइक ऑन करके आवाज कर रहे थे, बगल से आपकी आवाज आ रही थी। माइक सबको बंद रखना, सबको बुक दिखने लगा। आपको चलिए अभी इस स्टोरी को पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ चलिए, अभी जादू की बातें। चलिए, आपने पिछले सेशन में, अरे पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, जंगल सफारी के बारे में, आज के अभिषेक का। अब आप यहाँ पर हीरा और अनंत की जादुई संदूक के बारे में पढ़ेंगे। जादुई संदूक का क्या रहस्य है इसको जानेंगे। चलिए अभी रीड कीजिए। यस मैम। रुसी और अभिषेक के जंगल सफारी के बारे में सर। अभी अभी थोड़ा आगे आ गए। अपने मोबाइल के माइक के पास आइए थोड़ा करीब। यस मैम। चलिए पढ़िए मैम। रुसी और अभिषेक के सफारी में अनंत को अपनी जादुई संदूक की याद आ गई। क्या है संदूक का रहस्य जानने के लिए पढ़ते हैं। अनंत और दीदी पापा के साथ जयपुर रहने आ गए। माँ पापा के साथ जयपुर रहने आ गए। उनके पापा रीड कर रही हैं, कोई नहीं रीड करेगा। उनके पापा अंत और इरा अपने माँ पापा के साथ जयपुर रहने आ गए। उनके पापा का तबादला हो गया था। अब उन्हें जयपुर की एक बड़ी सी हवेली में रहना था। दिल्ली के फ्लैट के बाद यह घर बहुत अलग लग रहा था। अंत और अपने स्कूल की बहुत याद आ रही थी। और इरा मोहल्ले की सहेलिया के बारे में सोच रही थी। पापा ने उन्हें उदास चेहरे से देखे तो बोले, जाओ तुम दोनों पूरी हवेली का चक्कर लगा कर आओ और फिर बताना कौन सा कमरा तुम्हें लेना चाहोगे। कमरा
कमरा से बरामदा, फिर बैठक और फिर कमरा। घूमते घूमते वह दोनों एक कमरे में आ गए आए जो तीन ओर से बाग की तरफ खुलता है खुलता था। खिड़कियों पर लगे रंग बिरंगे शीशों से छन छन कर आती धूप से पूरा कमरा रंग बिरंगा हो गया था। वह कितना खूबसूरत कमरा है। देखिए बेटा, अनंत और इरा अनंत और इरा तो भाई बहन है जो अपने मम्मी पापा के साथ जयपुर आ गए थे। जयपुर क्यों आ गए थे? क्योंकि उनके पापा नौकरी करते थे, उनका तबादला। तबादला मतलब होता है बदली करना, बदली होना है ना। तो उनकी बदली जो है जयपुर से मैम, तबादला मींस क्या होता है? बदली होना। यस मैम। तो वो दिल्ली से जयपुर पहुंच गए थे। वहां उन्हें बहुत बड़ी हवेली में रहना था, क्योंकि पहले वो दिल्ली में फ्लैट में रहते थे। फ्लैट छोटा होता है ना। तो यह जो है फ्लैट और हवेली बहुत बड़ी होती है। तो अनंत और इरा को अपनी स्कूल की याद आ रही थी, क्योंकि बारे में सोच रही थी। वहाँ सब कुछ छोड़कर चली आई थी, है ना। जैसे आप लोग को अभी यहाँ से छोड़ के कहीं जाना होगा, आप यहाँ के बच्चों को याद करोगे, है ना। तो पापा ने जब देखा कि लोग बहुत बच्चे बहुत उदास हैं, तो कहा जाओ तुम दोनों पूरी हवेली का चक्कर लगा के आओ, देखो तुम्हें कौन सा कमरा पे तुम दोनों रहना चाहोगे, कौन सा कमरा तुम्हें अच्छा लग रहा है, है ना। तो दोनों लोग चले गए हवेली घूमने। घूमते घूमते दोनों एक कमरे में आए। वह कमरा तीन तरफ से दरवाजा था और दरवाजे बाग हवेली के जो था उनका बाग के बाग में था। उनके दरवाजे बाग के भी खुलते थे और खिड़की को बड़ी बड़ी खिड़की लगी थी जिसपे शीशे के कांच के दरवाजे लगे हुए थे, जिससे धूप की रोशनी जो है कमरे के अंदर आ रही थी और कमरा रंग बिरंगा लग रहा था ना। ऐसे दृश्य सबको अच्छे लगेंगे। आलोक मिश्रा, आलोक। यस मैम। क्रियापीठ कीजिए, क्रियापीठ कीजिए। हम बड़े नो हमने कहा कोई बीच मैम बाहर से ना। हाँ से वाह, इतना खूबसूरत कमरा हो। बाक पर आके मतलब बाक हाँ बाहा काके पर छोटी बेटा आपसे कहे ना, आप जो है क्लास को छोड़ने के बाद बैठ के हिंदी की बुक लेकर रीड किया करो। मम्मी से को आपको रीडिंग कराया कर। आप थर्ड में पहुंच नहीं कर पा रहे हो, कैसे आप कोई चीज पढ़ के समझ पाओगे? रीड नहीं कर पाओगे। मैं हम रीड करें। चलिए कंचन रीड कीजिए। यस मैम। वाह कितना खूबसूरत कमरा है, क्यों इरा हम यही कमरा लेंगे। कमरा देखकर अंतर को अंतर की आनंद की आंखों में आनंद आनंद की आंखों में एक चमक सी आ गई। हाँ, इस कमरे को देखकर मुझे उस जादुई के खेल की याद आ गई है जो हमने पिछले साल देखा था, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे जादुई कमरा। इरा ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। दोनों अपने नए कमरे की जांच पड़ताल में लग गए। वे कमरे की अलमारियों पुरानी बनावट के पंखों को खेल व बंद करने करके देखने लगे।
स्टॉप, बच्चों की आदत होती है घर के हर चीजों की जानकारी लेना। तो कमरा उन लोगों को पसंद आ गया था क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी धूप आ रही थी, बाग दिखाई दे रहा था, है ना। तो दोनों लोग को जादुई खेल की याद आ गई। वो लोग कहे कि हम इस कमरे के नाम रखेंगे जादुई कमरा। उसके बाद इस कमरे में लगी अलमारी, पुरानी पंखों को, है ना, सबको देखने लगी। देख रहे हो किस तरह से। देखने के बाद कीड़ा को शरारत सूझी है, वह जाके अलमारी के अंदर बैठ गई। देखिए, देख रही हो ना, कमरे में एक बड़ी सी अलमारी देख रही है, उसके अंदर घुसकर मजे से बैठ गई। चलिए बेटा अभी पढ़िए आप इसको। रिया चलिए पढ़िए। रिया मम्मी आई रीड। रिया पढ़ेगी कमरे में। मम्मी आई रीड। नहीं पढ़ना चाह रही रिया, इसलिए हर्षित आप पढ़िए। हर्षित। यस मैम। पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ। मैम कमरे से एक बड़ी सी अलमारी देखकर ईरा उसके अंदर घुसकर मजे से बैठ गई। भैया देखो मैं कहाँ बैठ गई। ईरा ने अनंत को पुकारा हुए कहा। अनंत ने उसे देखा तो हंसने लगा। मजे से अलमारी के अंदर बैठी ईरा अलग अलग तरह के खेल लिखने की को गोल गोल घुमाते हुए वह भारी आवाज से बोलने लगी। देखो भैया मैं हूँ नहीं जादूगर। नन्ही जादूगर। अचानक एक गहरी सी गूंज कमरे से। नहीं नहीं बेटा एक लाइन छोड़ दियो। सकाला बुम बुम अचानक एक गहरी सी गूंज कमरे में भरने लगी हो और हल्का हल्का अंधेरा छा गया। यह क्यों क्या हो रहा हो गया। ईरा दवाल चिल्लाई। चलिए स्टॉप बेटा। चलिए रमा आप पढ़ेंगी। इसके बाद क्या होता है रमा। रमा यस मैम। पढ़िए आप चुप चुप पढ़िए यहाँ से। चुप चुप अंत फुसफुसाया और झट ईरा के पास अलमारी में बैठ गया। अनंत के अंदर बैठते ही अलमारी के पीछे की दीवार की खिड़की एक
तरफ हट गई। धुंधली रोशनी में उन्होंने देखा कि पीछे एक संदूक पड़ी थी। डरते हुए अनंत ने संदूक खोलने की बहुत कोशिश की, मगर ढक्कन हिला ही नहीं। जाने दो ना भैया, बाहर चलते हैं, यह ऐसे ही बेकार। संदूक नहीं दिख रही है, पुरानी संदूक है। देखिए मैम बुक नहीं दिख, बेकार पुरानी संदूक है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अरे देखो इस पर कुछ लिखा है। ईरा ने उस पर पड़ी धूल को फूक मारकर साफ किया। अनंत ने बक्से पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा। स्टॉप बेटा स्टॉप, चलिए सोनिया पढ़ेंगे। सूरज के में आगे बुद्धों के पीछे कमरे के नहीं पढ़ोगे। खुशी से लिए पढ़िए बेटा आप। खुशी, यस मैम। मैम सूरज की मैम आगे बूंद, सूरज के मैं आगे तू बूंद के मैं पीछे, बूंद के मैं पीछे कमरे के मैं बाहर, आकाश से ऊपर बन जाओ समझदार सुपर। मैम पता है मैम रेम्बो होगा। हाँ। मैम इंद्रधनुष। चलिए आगे पढ़िए। फिर दोनों ने पंक्तियां देखा भाया मुझे अलग लगता है। यह कोई पहेली है, ईरा बोली। अचानक अनंत को सूझ गया जवाब। उसने बोला इंद्रधनुष, और उसके ऐसे बोलते ही संदूक खुल गया। भाया यह तो कमाल हो गया, यह तो
वाकई में ताले में भाया उसके या तो वाकई में तो एक जादुई पहेली थी। ये जादुई पहेली थी ईटा ने तुरंत संदूक को खोला। स्वाति आप पढ़ेंगी। स्वाति ध्यान रखिए, आप पढ़िए। स्वाति तुरंत संदूक के अंदर झांका, इसलिए पढ़िए। मैम मैं आई रीड। स्वाति अभी बुक नहीं खोली हो? हाँ, क्या कर रही हो तुम बैठ के? स्क्रीन पे बुक नहीं दिख रहा आपको? चलिए अपने आप पढ़िए। आहो भैया, इसके अंदर तो एक संदूक है। चलो ईरा, इसको उठाकर अलमारी के बाहर निकालते हैं, अनंत ने सुझाया। दोनों मिलकर संदूक को उठाने लगे, लेकिन संदूक तो ठस से मस नहीं हुआ। अब क्या करें भैया, हम तो फिर अटक गए। वाह देखो ईरा, संदूक कोने में पर्ची कैसी है, क्या लिखा है उस पर? अनंत ने बोला, उस पर लिखा है रंग भरो। इसका क्या मतलब? ईरा बोली अब क्या करें। ईरा, यह तो छोटी सी पर्ची है, रंग भरो भी तो कहां। अनंत ने सिर झुकाने लगा, झुकाने लगा। खुशाल चलिए आप पढ़िए। खुशाल रानी मैम हम पढ़े। चलिए पढ़िए बेटा, जो लोग पढ़े हमको नहीं पढ़ना। मैम नहीं पढ़े। पढ़े आप, जो लोग नहीं पढ़े उनको पढ़ना। चलिए रीड कीजिए। खुशाल नहीं रीड कर रहे हैं, चलिए आप कीजिए। अनंत की और पढ़िए क्या गुजारे लगी रंग मिल गया। मैम रंग भरो इंद्रधनुष रंग मिल गया। जवाब ईरा ने ताली बजाई और बोली, लाल नारंगी पीला हरा आसमानी नीला और संदूक का ढक्कन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा आगे आके बोलिए, अपने लेफ्ट मोबाइल के पास आके बोलिए, दूर रहोगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। अनंत बोला, अब छोटी संदूक निकाल। चलिए अभी आप पढ़िए। अभी यस मैम पढ़िए।
मैम ईरा ने ताली बजाई और नारंगी पीला हरा आसमानी नीला और बैंगनी संदूक का ढक्कन खुल गया। शाबाश ईरा, आनंद बोला, चल अब यह छोटी संदूक जल्दी से उठाकर बाहर निकालते हैं। बूझ ऊंची होती जा रही है। दोनों ने संदूक उठाई और अलमारी से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही गूंज बंद हो गई और लकड़ी के पल्लों की दीवार ढक गई। शुक्र है हम बाहर आ गए, ईरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मगर इस संदूक में कैसे खोले, ईरी देख इस पर तो बाहर ताला लगा हुआ है, आनंद ने कहा, और इसकी चाबी कहीं अंदर ही तो नहीं रह गई। ईरी हम से बैठ गई। स्टॉप बेटा, सृष्टि सृष्टि इरा बोली, थारो भैया मैं पापा से इस हवेली की चाबियां का गुच्छा लाती हूँ। गुच्छे से 25 या 30 चाबियां थी वह एक एक कर चाबी से ताला खोलने की कोशिश करती रही। अनंत को बहुत खींच होने लगी। उसने झुलकर जोर से कहा, 1 2 3 4 5 6 7 खुल जा रहे ताला। झट से फटाक ताला खुल गया और अंदर से निकलने सतरंगी खिलौना। दोनों खुशी से उछलने लगे और उत्साहित होकर चिल्लाने लगे, खजाना मिल गया। खिलौने की संदूक, जादुई संदूक लेकर अंत और इरा भागे मम्मी पापा के पास। उनको भी तो खजाना दिखाना था। चलिए, कहानी अच्छी लगी? हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छी लगी ma'am, बहुत अच्छी लगी। अभिनय बताइए, आपको कहानी कैसी लगी? जादू कहानी कैसी लगी? मैम अच्छी लगी। मैम अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? मैम क्योंकि अच्छी लगी। उसे बताइए आपको क्यों अच्छी लगी कहानी? रमा आपको कैसी लगी कहानी? मैम अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? अभी आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी बेटा? मैम हमें बहुत अच्छी लगी। मैम बताइए कि आरुषि और अभिषेक।
और उससे अभिषेक नहीं है, हीरा और अनंत है, हीरा और अनंत है इस कहानी में। यस मैम, हीरा और अनंत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको कहानी में कुछ बदलाव करना हो तो आप क्या बदलाव करेंगे? हर्षित बताएंगे। हर्षित yes, बताइए। yes, question. अगर इरा और अंत पहली के सही उत्तर ना बता पाते तो क्या होता? बैठने वाला सेकेंड वाला, अगर आपको कहानी में कुछ बदलना हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे और क्यों? कुछ आपको बदलाव करना है? मैं बदलेंगे। क्या बदलाव? अमन गुप्ता आप वीडियो ऑन कीजिए अपना, आप बताइए। यस मैम, बताइए आप। यस मैम, अगर मैम हम कहानी का नया नाम रखेंगे। क्या है? आलोक आप बताइए, कहानी में कुछ बदलाव करना है आपको? अभी पांडे आप ही बताइए, ये लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। यस मैम, मैं हम उनका नेम बदलेंगे। हरी तुम नहीं बदलोगे? चलिए अगला देखते हैं, अगर इरा अनंत पहेली के सही उत्तर न बता पाते तो क्या होता? वे अलमारी के बाहर कैसे आती? उनके मम्मी पापा आके मैं उनको बचा लेती। अच्छा, आप बताइए। तुम क्या करना है? और अनंत पहेली के सही उत्तर न बता पाते तो क्या होता? ये अलमारी से बाहर कैसे आती? बाकी लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। सृष्टि है, श्रेयांश है, सोनिया है, आलोक है, इसका वीडियो ही नहीं आना है, रिया है। चलिए बेटा, तो आप लोग कलम की सवारी क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे और इस स्टोरी को आप लोग फिर से पढ़ लेंगे। हाँ बेटा, मैम पढ़ेंगे
आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, स्टोरी को पढ़िए, आप लोग इसमें विशेषण शब्दों को ढूंढ कर लिखेंगे। कैसे शब्दों को ढूंढ कर लिखेंगे? विशेषण शब्दों को ढूंढ कर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, कम से कम 10 विशेषण शब्द। आई समझ में? यस मैम। 10 विशेषण शब्द को ढूंढना, प्रयोग करना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye, everyone. Bye. 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 Bye.